नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसी कली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी वीडियो है एक विलेन रिटर्न। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है ऑफिशियल ट्रेलर एक विलेन रिटर्न। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राकेश महाटकर एक आम आदमी, 18 लड़कियों का मर्डरर। शायद आप लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न। जान लेना इसकी बीमारी है। वो सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर्स हो। दिल टूटे आशिकों का मसीहा बनना चाहता है। कुछ तो कनेक्शन है इन सब एक तरफा लव स्टोरीज में और उसकी लव स्टोरी में। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, देवास छोड़, मुझे मत छोड़। ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है कि कौन हीरो कौन विलन। मैं हीरो हूं तेरी कहानी का, तू हीरो तो मैं तेरी कहानी का विलन। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है, तो मैं कौन हूं, तेरा डर या तेरा प्यार? विलेन। ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलेन और तू। ए विलेन, जी जनाब। अच्छा, मैं शुरू में समझ रहा था कि मैं इस ट्रेलर के ख़त्म होने के बाद ये कहूँगा, फ़ायदा क्या है। इन्होंने तो सारी कहानी खोल के रख दी कि एक लड़का है, वो वन साइडेड जो लवर्स लड़कियाँ हैं उनको मार रहा है, कहानी तो खोल के रख दी, सब कुछ तो रिवील हो गया। फिर बाद में जब उन्होंने आगे बढ़े तो इतना दिमाग की दही बनाई इन्होंने, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। दिमाग की दही नहीं, मैं तो मेरे अंदर पता नहीं क्या, पहली बात पूरे ट्रेलर में मुझे दिनों दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी, मैं ट्रेलर में घूम चुकी थी और सिर्फ मेरे हर सीन पे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार अब क्या होगा, एक तजस्सुस पैदा कर दिया। अच्छा, आखिर में जब उन्होंने तारा सुतारा और दिशा पाटनी को जो दिखाया है एक बिल्कुल ही नेगेटिव करके, मुझसे यकीन करें नहीं रुका जा रहा कि कब आए 29 जुलाई और कब मैं देखूं कि स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है, कौन विलन है, सही कौन सही है? वाला इन्होंने एक ना वो कहते हैं ना क्लाइमैक्स। अच्छा, एक और चीज़ है, हीरो और विलन पता है हम कब जज कर लेते हैं, पोस्टर से जज कर लेते हैं, पता क्यों? वो तो विलन का रोल करता है। सही। अरे वो तो है ही हीरो फिल्मों का। अच्छा, यहाँ पर जॉन अब्राहम हो गए, अर्जुन कपूर हो गए, ये दोनों ही एक तरह से हीरो आते हैं, लड़कियाँ भी मतलब हीरोइन ही आती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन विलन नहीं। तारा सितारा का तो फिर भी एक दो हमने देखी है मूवीज, उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर किया है, सही ठीक है ना, तो मुझे उनका लग रहा था। लेकिन दिशा को भी देखकर मैं तो मतलब मेरी दिशा अब मैं नहीं थोड़ा सी फाइनलाइज कर पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या सोचूँ
कैसे हो सकती है कहानी, क्या हो सकती है? अच्छा, इस तरह की अक्सर स्टोरियाँ जो होती हैं वो हॉलीवुड से भी इंस्पायर होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होता है ना इसमें। अच्छा, 50% जब स्टोरी गुजर चुकी होती है और आप कोई फैसला कर चुके होते हैं और वो गलत होता है, वो उसी वक्त आपको समझ में आता है मैंने गलत सोचा। 50% से ज़्यादा मूवी गुजर चुकी है और एंड एकदम से कुछ और। अच्छा, स्टार्टिंग में वाकई यही लगा कि एक बंदा है जो मतलब वन साइड लवर्स जो है उनको उनका बदला लेने के लिए ऐसा करता है, उसके दिल में बड़ा दिल और दिल में बड़ा रहम है ऐसे लोगों को, बड़ा दर्द है ऐसे लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, सिंपल स्टोरी है, ठीक है जी, देखने को मिलती रहती है ऐसी लव स्टोरीज और ऐसे विलन्स, लेकिन यहाँ तो मतलब आपने जो सोचा वो सभी उल्टा हो गया। मतलब मैं, मुझे अभी ये लग रहा है मैं 1% भी आइडिया नहीं लगा सकती कि क्या होगा, कौन एक्चुअल में कौन विलेन होगा। मतलब ये है कि थोड़ी सी ध्यान लगा के देखने वाली फिल्म है, अगर आपने एक से दो सीन भी बीच में मिस कर दिए तो आप असल स्टोरी को पकड़ ही नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कहीं पर थोड़ा सा जॉन अब्राहम थोड़ा सा एज से आगे लगे, थोड़ा सा एजेड लगे, तो मुझे थोड़ा सा उनके फेस से या करीब सोलो से लगा के अब उनकी एज थोड़ी सी आइस की थोड़ा सा मुझे लगा, ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो थोड़ा सा मैच्योरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक्सप्रेशंस भी बड़े एक्सट्रीम टाइप के, मतलब जब बहुत ज़्यादा कैमरा करीब था ना उनके फेस पर, तो एक्सप्रेशंस भी उन्होंने बड़े मतलब एक होता है ना एक्शन, एक एक्शन में देखते हैं। अच्छा, जॉन इज इक्वल टू एक्शन मेरे हिसाब से, मेरे माइंड में जो है वो उनकी जो इमेज बनी है। अभी मुझे थोड़ा ना वो हीरोइक कम लगे और विलेन ज़्यादा लग रहे थे, जो एक्सप्रेशंस दे रहे थे नेगेटिविटी, थोड़ा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही। लेकिन उसकी भी कोई बेसिक वजह है, उसकी वजह है ये असल में दिखाया गया है कि क्या जो विलन है वो वैसे वो हमेशा से विलन है, अगर वो विलन है तो वो क्यों विलन है, इसके इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब। अच्छा, थोड़ा सा मुझे रेस वाला टच लगा, अमाने नमाने रेस में भी आपने देखा था कि कटरीना और सैफ जो होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कटरीना भी नेगेटिव होती हैं, वही ट्विस्ट होता है और वो मिली भी होती हैं अक्षय खन्ना के साथ, तो मुझे थोड़ा सा वो वाला लगा। उसमें भी चार थे, इसमें भी चार ही दिखाए गए, लेकिन देखते हैं आगे स्टोरी क्या रहेगी, कैसी रहेगी, अभी तो पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसा ही है, और तेरा नाम दिल रख दिया कैसी सिंपल सी शायरी। मुझे मनोज मुंतशिर का वो जुमला याद आ गया कि मैं वो शायरी करता हूँ जो सुनकर अगला कहे यार मैं भी कर सकता था, तो उसे रिलेट करे बंदे से, आम पब्लिक से भी रिलेट करते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं बड़ी। आप इसकी जगह ये भी कह सकते थे गलियां तेरी गलियां, ये आया था ना बीच में। हाँ, ये नहीं मिस करा है इस मूवी में। कभी कभी हमें ऐसे देखने को भी मिलता है कि कोई किसी मूवी का बड़ा फेमस सॉन्ग होता है तो दूसरी मूवी में चेंज कर देते हैं, नहीं होता वो कौन सी फिल्म थी, क्या नाम था उसका, विलन थी ना, एक विलन बस इसमें रिटर्न्स लग गया है। हाँ, तो मूवी मतलब उसी का हुआ है। हाँ, ना? उसी का, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज करके दिया, काफी चेंज है, लेकिन सॉन्ग दोबारा रिपीट किया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। और इसका मतलब ये कि तेरा नाम दिल रख दिया, एक गाना जब मनोज मुंतशिर जी का है तो इसका मतलब है शायद ये वाला सॉन्ग मे बी, क्योंकि जितना सादी अल्फाज में उन्होंने कहा ना तेरा नाम दिल रख दिया, मेरे साथ बैठे कुछ भी अनुमान। वैसे अगर तेरा नाम दिल रख दिया मनोज मुंतशिर जी का है तो मैं वाकई आपको स्मार्ट बोलूंगी। नहीं, अच्छा जब इस फिल्म के अंदर उससे पहले भी इनसे लिखवाए गए गाने हैं तो, मतलब एक टीम वर्क बन जाता है ना, एक दफ़ा पार्ट टू पार्ट थ्री आता है फिल्मों का, जब एक टीम वर्क बन जाता है तो वही टीम आगे भी यूज होती है। अच्छा, ऐसा होता है, लेकिन पता है मैंने उनको संजय लीला भंसाली को बोलते हुए सुना कि जी मुझे गंगूबाई बनानी है तो मैं आलिया भट्ट को लूँगा, और मुझे बाजीराव मस्तानी बनानी है, बाजीराव मस्तानी बनानी है तो मैं दीपिका को लूँगा। तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि हर मूवी के लिए सेम चीज़ें नहीं, बड़ा बंदा चूजी रहता है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं करेक्टर की, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, जैसे टीम होती है ना, कैमरा डायरेक्टेड टीम होती है। सही, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि कभी कभी पूरी पूरी म्यूजिक एल्बम्स एक ही मूवी में पार्ट वन में किसी और ने की है और उसके सेकंड पार्ट में देखा है कि वो सिंगर दिखे नहीं, किसी और सिंगर से रिकॉर्ड करवाए गए, उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया होता तो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन तेरी गलियां जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में 100% यूज़। अच्छा, वैसे भी कह रहे थे वो कि अभी जब उनसे पूछा गया कि आपको किसी प्रोजेक्ट का अफसोस है, तो उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, शायद आप मुझसे अगर कोई निकल जाता है तो 10 और पड़े हैं। तो अभी यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत पसंद किया जा रहा है, पब्लिक की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लोग जुड़े हुए हैं उनसे, बहुत पसंद करते हैं, तो बेशक उन्हें। अच्छा, एक चीज़ और हमारी ज़िंदगी में चेंज हो गई, अब कोई भी फिल्म जब खत्म होती है तो जैसे डायरेक्टर या पढ़ते हैं नाम करेक्टर्स के,
अब शायद हम पोइट का भी नाम पढ़ा करेंगे मेरे ख्याल राइटर का या पोइट का, और वो वाला जो मतलब है कि उस पर मतलब आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दशरथ जी का जो हमने इंटरव्यू पे रिएक्शन किया था, फिर उसके सेकंड पे भी दिया, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया, उसके बारे में आप कहेंगे। अच्छा, गुलशन कुमार के हवाले से मैंने देखा है कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिक सॉन्ग हो, चाहे वो कोई मूवी हो, पता नहीं क्यों वो हटके ही होता है, वो कुछ अलग ही करते हैं। तो मुझे इनको देखकर, इनका नाम पढ़कर तो मुझे लग रहा था कि वाकई कहानी बहुत ही अनदर लेवल में होने वाली है। बिल्कुल, इसमें ट्विस्ट ही ट्विस्ट होगा, एक्शन एक्शन भी होगा, और एक चीज और भी होगी, क्या लव रोमांस भी होते हैं इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। आइडिया होगा थोड़ा सा, है ना? कुछ और कुछ बोलना नहीं दिखेगा, और कुछ बोलना है आपको? कुछ मुझे क्यों आए, मतलब इसमें नो कमेंट्स, इसमें रोमांस, नो कमेंट्स, इसमें लव भी बहुत होगा, इसमें प्यार। दवाई खाई थी आज आपने? आप कभी अब बातें तो नहीं करते ऐसी? मैं जब टेलर इसको घुस गए आप तो बस सही है, इतना कभी आप इससे ज्यादा ना घुसे। खैर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी को लगा दोगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।